हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 14 फरवरी 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनके बारे में हम सभी तथ्यों के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो भी क्वेश्चन, जो भी जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, हर एग्ज़ाम में आजकल जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो काफ़ी डिटेल में और अंदर से पूछा जाता है। तो सिंगल लाइन वाला जो करंट अफेयर्स वाला सिस्टम था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है हर चीज़। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से ही पढ़ेंगे। मैं आपको डिटेल से करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ रोज़ मॉर्निंग में 4 बजे। तो रोज़ मॉर्निंग में 4 बजे करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जब दबा दीजिए ताकि जैसी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 14 फरवरी 2020 का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस दिवस का उद्देश्य रेडियो के महत्व और समाज में इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। वर्ष 2019 के लिए ये इसका 9वां संस्करण है, मतलब कि 9वीं बार जो है ये दिवस मनाया जा रहा है। 9वां संस्करण इस बार मनाया जा रहा है। 3 अलग अलग विषयों पर जो है चर्चा यहाँ पर की जाएगी इस साल, जिसमें रेडियो में बहुलवाद, न्यूज़ रूम में प्रतिनिधित्व, संपदाय की सामग्री और कार्यक्रम में विविधता, ये 3 चीज़ों के ऊपर चर्चा की जाएगी। एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, सीधे सीधे पूछ लेगा कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, और दूसरा कि वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम क्या थी। तो ये 2 पॉइंट तो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। तो थीम याद रखिएगा, रेडियो और विविधता, यानी कि रेडियो और डाइवर्सिटी जो है ये थीम रखी गई थी विश्व रेडियो दिवस 2020 की, ठीक है। 13 फरवरी को मनाया जाता है ये दिवस। सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा में पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि रीडिंग मिशन हरियाणा, ये एक पहल है जिसका उद्देश्य है कि जो युवा हैं उनमें जो है पढ़ने को लेकर जो है उनको प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है, किताबें पढ़ने की हैबिट जो है उनमें डाली जाए। तो रीडिंग मिशन हरियाणा जो है अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। ये जो मिशन है ये रीडिंग मिशन 2022 जो कि केंद्र सरकार की योजना है, इसके तर्ज पर जो है हरियाणा में शुरू किया गया है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अगर मैं आपको हरियाणा ले चलूं तो हरियाणा में हम देखेंगे कि किसकी किसकी सीमा हरियाणा की सीमा से स्पर्श होती है। तो हरियाणा की सीमा लगती है राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, दिल्ली के साथ तो लगी हुई है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ भी हरियाणा की सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहां पर से बिल्कुल सही है। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू, आप सभी लोग जानते होंगे, ये भारत की पहली राज्यपाल थी, पहली महिला राज्यपाल। कौन से स्टेट की महिला राज्यपाल बनी थी, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो सरोजनी नायडू जी के जन्मदिन के अवसर पर इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 में। तो 13 फरवरी को इनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय महिला दिवस की जगह पर आपसे एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वाला है हमारा कि फरवरी 2020 में ESPN क्रिक इन्फो ने अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। एक न्यूज़ वेबसाइट है ये, तो इसने अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में कैप्टन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया है इयॉन मॉर्गन को, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इयॉन मॉर्गन कैप्टन है, क्रिकेट के कैप्टन है ये इंग्लैंड के, और जो अभी विश्व कप जीता था इंग्लैंड ने वो इन्हीं की अगुवाई में जीता था, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा कई और अवार्ड भी दिए गए हैं जो मैंने टेबल बना के आपको समझाई है, जैसे कि वुमेन बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड मैग लैनिंग को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। इसी तरीके से डेब्यू ऑफ द ईयर का किताब जो है जोरबा आर्चर को दिया गया है, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं।
T20 बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया लसित मलिंगा को दिया गया, जो कि श्रीलंका के बॉलर हैं। ईयर का खिताब दिया गया है कुशल परेरा को, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। T20 बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है ग्लेन मैक्सवेल को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ODI यानी कि वन डे इंटरनेशनल मैचों में बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है मैट हेनरी को, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तो ये टोटल यहाँ पर चीज़ें हुई हैं, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द थिन माइंड मैप बुक के लेखक कौन है। अभी रिसेंटली द थिन माइंड मैप बुक रिलीज़ हुई है, इसके लेखक हैं धर्मेंद्र राय, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहां पर से बिल्कुल सही है। इस पुस्तक में लोगों के माइंड मैपिंग के अनुभव और अभ्यास के बारे में लिखा गया है कि किस तरीके से लोगों की सोच को या माइंड को पढ़ा जा सकता है उनकी हरकतों से, ठीक है। तो ये जो द थिन माइंड मैप बुक है, इसके राइटर हैं, राइटर का नाम जरूर याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, हाँ ये है धर्मेंद्र राय, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2020 में पहले AI पुलिस अधिकारी का अनावरण किया गया। अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड में पहले AI पुलिस अधिकारी का अनावरण किया गया है। ये AI पुलिस अधिकारी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी होगा, जैसे कि एलेक्सा से आप बात करते हैं उसी तरीके का ये है। तो ये सामने आपको वर्चुअल तरीके से जो है एक पुलिस अधिकारी दिखेगा, जो कि आपको मतलब आपके केस के बारे में जो है सुनेगा और फैसले करेगा, ठीक है, मतलब रिपोर्ट वगैरह लिखेगा। तो ये AI पुलिस अधिकारी का अनावरण किया है न्यूजीलैंड ने अभी रिसेंटली। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि फरवरी 2020 में ई ऑफिस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया। ई ऑफिस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन अभी रिसेंटली नई दिल्ली में हुआ, यानी कि ऑप्शन ई वाला बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस कार्यशाला में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली का शुभारंभ भी किया गया। आप सभी लोग जानते होंगे कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर किस तरीके से काम होता है, बहुत लापरवाही से काम करते हैं। तो ये जो ई ऑफिस पर राष्ट्रीय कार्यशाला है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि मतलब लोगों की जो शिकायतें हैं वो सुनी जाएं, पेंशन से रिलेटेड और भी कई शिकायतें होती हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पर इस कार्यशाला में, इस वर्कशॉप में बात की गई थी। और इस वर्कशॉप का उद्घाटन किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि केंद्रीय क्रमिक लोक सेवा लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री हैं, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क मुंबई में स्थापित किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। मुंबई नगर निगम द्वारा 90 स्टेशनों पर जो है वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना है, ऐसा जो है इसको परमिशन भी मिल चुकी है। तो बहुत जल्दी जो है यहाँ पर 90 वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित हो जाएंगे। अभी दिल्ली में 38 जो है इस तरीके के नेटवर्क हैं, जिनके द्वारा मतलब वायु को जो है शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 38 हैं और मुंबई में 90 हो जाएंगे, तो सबसे बड़ा जो है ये तंत्र यहाँ पर होगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं, राजधानी मुंबई है महाराष्ट्र की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगर मैं आपको महाराष्ट्र ले चलूं तो महाराष्ट्र की सीमा जो है गोवा के साथ लगी हुई है, कर्नाटक से लगती है, तेलंगाना से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है और साथ में गुजरात से भी लगती है महाराष्ट्र की सीमा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि 13 फरवरी को मार्सेलो रेबेलो डी सूसा 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं, वे किस देश के राष्ट्रपति हैं। मार्सेलो रेबेलो डी सूसा 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं, ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ई वाला बिल्कुल सही था, ये इनकी पहली भारत यात्रा है राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं पुर्तगाल तो ये अपना इंडिया है और यहाँ पर पुर्तगाल आपको दिख रहा है। अगर मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा स्पेन के बगल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि फरवरी 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया। प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है INS
शिवाजी को, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट्स कलर जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। सशस्त्र सेना बलों को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। आप सभी लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति जो है हम भारतीय सेना, तीनों सेनाओं के जो है सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तो ये मतलब जो है सबसे इनके तरफ से जो है ये प्रेसिडेंट कलर जो है सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो ये INS शिवाजी को दिया गया है। INS शिवाजी को 1945 में जो है नौसेना में शामिल किया गया था, और तब से जो है अभी फ़िलहाल में इसको ट्रेनिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, कि फरवरी में बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। फरवरी में आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, भुवनेश्वर में, यानी कि ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। भुवनेश्वर राजधानी है उड़ीसा की, तो यहीं पर बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजन किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अभ्यास का आयोजन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के द्वारा किया गया, यानी कि NDRF के द्वारा इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनेगा। इस अभ्यास का उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया। और अगर आपसे बिम्स्टेक के सदस्यों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन है बिम्स्टेक के सदस्य, तो भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जो है बिम्स्टेक के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। आई थिंक नेपाल और भूटान जो है इस बार इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं मेरे ख्याल से। यहाँ पर भूटान का नाम भी होना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फरवरी 2020 में सरकार द्वारा कितने रुपए का नोट लॉन्च करने की घोषणा की गई है, कितने रुपए का नोट लॉन्च किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि 1 रुपए का नया नोट लॉन्च करने की घोषणा की है अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने। आप सभी लोग 1 रुपए के नोट के बारे में जानते होंगे। इसके ये जो नोट है ये भारतीय रिजर्व बैंक नहीं बनाता है, बल्कि इसको वित्त मंत्रालय के अंतर्गत बनाया जाता है। वित्त मंत्रालय इसको बनाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर नहीं होते हैं 1 रुपए के नोट में, बल्कि वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये, और बच्चे बता नहीं पाते हैं, तो ये चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। 1 रुपए का जो पहला नोट है इसका मुद्रण 30 नवंबर 1917 को किया गया था। उस वक्त इसमें किंग जॉर्ज पंचम की फ़ोटो लगाई जाती थी, ठीक है। तो अब 1 रुपए का नया नोट मार्केट में आपको देखने को जल्द ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फरवरी 2020 में नंदू आर कुलकर्णी का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे, नंदू आर कुलकर्णी प्रसिद्ध पत्रकार थे। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं डिटेल से बताने से पहले आपको बता दूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस वक्त मुझे। चैनल को एक बार फिर से पहले जैसा जोश में लाने के लिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हो, वीडियो पूरा देखा करो, एक भी जगह मत छोड़ा करो, पूरा देखा करो, ताकि वीडियो का वॉच टाइम बढ़ेगा तो रैंकिंग में थोड़ा सा ऊपर आएगा वीडियो। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखते हो तो पूरा देखा करो प्लीज़। मैं आप लोग को बताया कि मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ वीडियो के अंतर्गत, सिर्फ पढ़ाई की बात होती है। तो आप लोग कम से कम इतना तो मेरा सपोर्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा जो है कंडीशन चैनल की सुधारिए, क्योंकि आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं चल पा रही हैं। तो आप लोग व्यूज़ बढ़ाने के साथ साथ थोड़ा सा एक बार वीडियो जब भी देखते हैं मॉर्निंग में, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखा करिए, ताकि वॉच टाइम बहुत अच्छा रहे, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है, इसको मान लीजिए प्लीज़। चलिए, हम बात कर रहे थे नंदू आर कुलकर्णी की। तो ये प्रसिद्ध पत्रकार हैं। 1992 में ये द स्टेट्समैन के स्टेट्समैन में जो है मुंबई ब्यूरो चीफ रहे, और इसके अलावा इन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस में भी काम किया। तो बहुत फेमस जो है पत्रकार थे भारत के, और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फरवरी 2020 में जारी ICC ODI रैंकिंग में किस बल्लेबाज को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि विराट कोहली। अभी रिसेंटली ICC ने वनडे रैंकिंग जारी की है, और इसमें विराट कोहली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पे इसमें रोहित शर्मा है। ऑलराउंडर का खिताब अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी को दिया गया है। तो ये हमें यहाँ से पता होना चाहिए, 3 के 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब बात करेंगे कल के प्रश्न की, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। आपके लिए प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मातृ वंदना योजना को लागू करने में सबसे आगे रहा। अच्छी बात यह है कि आप में से मैक्सिमम लोगों के आंसर कल की वीडियो में बिल्कुल सही थे। इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला था, यानी कि मध्य प्रदेश। अब ऐसा होगा कि मैं हर दिन जो है एक बेस्ट कमेंट लूँगा, हर दिन का, कि आप में से किसी एक का कमेंट होगा और जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसका कमेंट मैं लूँगा, और यहाँ पर चैनल पर जो है उसके नाम के साथ वो कमेंट भी आपको दिखाया करूँगा, ठीक है।
चलिए आपके लिए आज के प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्न का उत्तर अच्छे से दीजिएगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है ये बताइएगा, साथ में विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कमेंट मुझे पसंद आता है तो कल की वीडियो में आपका कमेंट मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए और इसी तरीके से अपना प्यार हमारे लिए बनाए रहिए। थैंक यू।